इसने मुझे पूरा जकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर ना तो घूमने की जगह है और ना ही मुझे उठने की जगह है। बहुत कठिन रेस्क्यू है और बहुत ही जोखिम। बजरंग बाबा एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी हमारे पास पहुंची थी हर हरगोविंद चौहान की, और यहाँ पर शायद कोई सांप है, ब्लैक कोबरा है या रेड स्नेक है, कौन सा चलते अपन देखते हैं। छिड़े पे वही देखो, दुकान बगल में देखो बोरिक, वो बोरिक पीछे बैठो। हाँ झींगा बहुत कम है सारी। तरकीब बना लो तुम मुझे, तरकीब तो आप देख सकते हैं, बैठने की भी जगह नहीं है पूर्ण रूप से। और ये रेड स्नेक है, क्योंकि बाइट बाइट करने में मार काफी कठिन रेस्क्यू है ये। आइए थोड़ा बताओ यही बात, लो जल्दी नीचे चलो। ठीक है दोस्तों, काफी बड़ा करीबन करीबन 10 फीट करीब है, 5-7 फीट के लगभग तो है मुंह इसी साइड में बाबू। ठीक है दोस्तों, मुंह इसी साइड में है, भागने की या कदम हटने की गुंजाइश नहीं है। और जरा भी कोई बोल लग गया तो भाग भागने में बहुत मार लगता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसने मुझे पूरा जकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर ना तो घूमने की जगह है और ना ही मुझे उठने की जगह है। बहुत कठिन रेस्क्यू है और बहुत ही जोखिम भरा रेस्क्यू हुआ। और इसने मेरे हाथ को पूरी तरह जकड़ करके बिल्कुल सुन्न कर दिया, पूरी मतलब नसों को जाम कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैं निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही कठिन जगह है, स्पेस की कमी है, ऊपर ये चद्दर दिख रही है और ये नीचे ये सेल्फ है। और इसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, ये सलाख को लो बेटा, और ये हाथ को बुरी तरह उसने पकड़ रखा है। ठीक है मैं देख आराम आराम से सुनूंगा। आप देख सकते हैं ये मेरे अभी तक के रेस्क्यू का पहला ऐसा केस है जो इतनी कठिनाई से मैंने रेस्क्यू किया है। और इसने मेरे हाथ को पूरी तरह, क्योंकि ये बंद लगाने में माहिर होता है। ठीक है चलते हैं बाहर। जो वहाँ जिंगा ही नहीं थी ऐसी बेटा, निकल जा छुड़वा यार, हाँ छुड़वा करिए यार, आराम आराम से, आराम से कर करिए ये नहीं नीचे रहिए नीचे।
नीचे से निकाल तो वो हाथ के लिए निकाल लो वर्ष का सुनेंगे वर्ष का सुनेंगे तो मैं पकड़ा उन्हें अरे बेन्ने सब समाज का हुआ यार मंजो अरे लम्बू है यार ठीक है दोस्तों अच्छा रेड स्नेक घोड़ा पछा घोड़ा पछा बहुत बड़ा सांप है घोड़ा घोड़ा चलते हैं इसको पैक करते हैं बाल्टी खोल लो ठीक है दोस्तों उसको मैंने पैक कर लिया। काफी रिक्स थी वहां पर क्योंकि स्पेस कम था, लगभग मैं एक डेढ़ फीट की जगह थी जहाँ पर मैं अपनी गर्दन भी सीधी नहीं कर सकता था, पूरा लेट के रेस्ट किया है। तो ये मेरे साथ बाइट भी कर सकता था लेकिन फिर भी सावधानी से मेरे साथ कुछ कोई ऐसी अपनी घटना नहीं घटी। ये नान बहना होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन ठीक है दोस्तों उसको पैक कर लिया, तो आप सभी से निवेदन है कि मेरा ये कार्य आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपका जो भी आईडी है उन पे शेयर करें ताकि और लोगों को पता लगे, ताकि ऐसे जीवों को कोई मारे ना। और ये कोई ज़्यादा जहरीला है? नहीं, ये जहरीला ज़्यादा नहीं। प्लीज मेरे वीडियो को आप शेयर करें, शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचती है, मेरे नंबर पहुँचते हैं, वो मुझे बुलाकर ऐसे लोगों को बचाने का काम कार्य करते हैं। मतलब जब भी कभी सांप निकलता है तो बत्रा के किसी भी घर में निकलता है तो मुझे बुलाकर रेस्क्यू पर आते हैं, ना कि उनको मारते हैं। जय हिंद, जय भारत।